इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए फंड से निकल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिल नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए फंड से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी खजाना ने रकूम की मुंतकली न होने से मुतालिक रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बेंच में शामिल जजेस रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद केस की कार्रवाई के हवाले से फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना को पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने का हुक्म दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन को अभी तक रकम मुंतकिल नहीं हो सकी। स्टेट बैंक और वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत की मंजूरी के बगैर स्टेट बैंक और वजारत खजाना रकम मुंतकिल नहीं कर सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को वफाक की हुकूमत और 14 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का हुक्म दिया था। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।